है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में, और आपका प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। आइए इस सवाल का जवाब लिखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर, तो सबसे पहले लिखते हैं वृद्धि मात्रात्मक होती, केवल मात्रा बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक परिवार है, ए परिवार, और दूसरा एक और परिवार है, बी परिवार। अब मान लेते हैं कि परिवार ए में चार सदस्य थे, ठीक है, चार सदस्य थे। तो इन चार सदस्यों में शादी का जोड़ा है, पति पत्नी वाला जोड़ा है, दो दो करके, तो इनमें बच्चे जन्म लिए। तो बच्चे जन्म लेने के बाद इसमें हो गए कितने, छह सदस्य हो गए। तो अब ये क्या हो रहा है, चार से कितने सदस्य हो गए, छह सदस्य हो गए। तो ये केवल क्या दर्शा रहा है, मात्रा दर्शा रहा है, ठीक है। जबकि विकास क्या बतलाता है, गुणात्मक वृद्धि को दर्शाता है, कि गुण को दर्शाता है। कि मान लेते हैं कि 5 साल या 10 साल के बाद यही बच्चे जो है पढ़ लिख कर पढ़ने लिखने लगे, पढ़ने और लिखने के लिए समझ चुके हैं, स्लेट में क ख ग ये सब चीज लिख लेते हैं, तो इसके गुण में भी वृद्धि हुआ। यानी केवल सदस्य संख्या नहीं बढ़ा बल्कि गुण बढ़ा। अब एक और उदाहरण बी की मदद से समझ लेते हैं। मानते हैं कि एक परिवार में चार सदस्य था, इसमें कहीं और से मौसा मौसी या कोई और सदस्य आकर के जुड़ गया, और इसमें चार सदस्य और जुड़ गए, तो टोटल कितने सदस्य हो गए, आठ सदस्य। अब क्या बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ मात्रा बढ़ा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वो मौसा मौसी भी अगर आए हैं तो इसके परिवार बी के लिए काम करते हैं, और इसके घर में क्या करते हैं, धन लाके देते हैं। तो आप बताइए, धन लाके देंगे तो इसके परिवार की आय भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो केवल संख्या ही नहीं बल्कि आय भी बढ़ा, तो इस तरह से गुणात्मक वृद्धि होता है संख्या के साथ। तो ये वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है, जबकि विकास हमेशा क्या होता है, धनात्मक व गुणात्मक होता है। मूल्य वृद्धि, वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होता है। वृद्धि क्या होता है, मूल्य निरपेक्ष, जिसे मूल्य से मापा जाता है, जबकि विकास मूल्य के सापेक्ष होता है, मूल्य के साथ साथ ये बढ़ता है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।